हेलो फ्रेंड्स, राम राम। मोली मी कुक रेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दिन की शुरुआत हुई योगा से, फिर घर आकर रेडी होकर चले दशा माता की पूजा देखने के लिए। ये हैं हमारी जैन भाभी जी। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम प्रस्थान करते हैं पार्क में, जहाँ पर पीपल देवता की पूजा करेंगे। इसी पार्क में मोली के साथ सुबह शाम में घूमने आती हूँ। पार्क बहुत साफ सुथरा और सुंदर है। यहाँ पर देखिए, सभी पूजा के लिए तैयार हैं। सबसे पहले चौक पूरा गया, हमारी बहुरानी अन्नू के द्वारा हल्दी का साथिया बनाया, गेहूं रखे और उस पर विराजमान कर दिए हैं गणेश जी महाराज को। पूजा की थाली में हल्दी मेहंदी कंकु घोले जा रहे हैं। ये है हमारी माता जी वाली भाभी जी। और उधर देखिए, जल्दी जल्दी आ रही हैं प्रेम दीदी। चौक पर 10 जगह हल्दी कुमकुम की बिंदी लगाकर और गेहूं रख दिए हैं। फ्रेंड्स, ये है प्रेम दीदी की पूजा की थाली। पूजा का सभी सामान बहुत अच्छे से जमाया है और जेवर भी बहुत अच्छे बनाए हैं। गेहूं के ऊपर बतासे रख दिए। गणेश जी को जनेऊ पहनाया जा रहा है। देखिए, सभी लोग पूजा कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर खोले जा रहे हैं सूत और लच्छा। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पूजा के बाद गणेश जी कितने सुंदर दिख रहे हैं। सूत और लच्छा पीपल देवता को पहनाया जा रहा है। परिक्रमा 10 बार लगाई गई। यह काम बहुत सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि सूत बहुत कमजोर होता है। ये है हमारी माहेश्वरी भाभी जी। जिन लोगों ने पूजा कर ली, वो पंडिताइन भाभी जी से कहानी सुनने के लिए एक तरफ बैठ गए। मौसी जी कितनी खुश लग रही हैं। सभी लोग अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिले हैं। इधर देखिए, काजल मेहंदी कुमकुम और हल्दी की बिंदी लगाई जा रही है। चौधरी भाभी जी, मीणा भाभी जी और ये हैं मुनेश की मम्मी। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। गणेश जी का मंदिर था, गणेश जी का मंदिर था, उनको में गणेश जी बैठे थे। अब यार के गणेश जी की नारा दन हो गया, कोई ने घी न चढ़ा, कोई पूजा न करी। अब गणेश जी महाराज की चोरी आ रही थी, यहाँ सोचा जी मार घी लगा देगा, थोड़ी बहुत मार घी लाल जाओगे। अब वो बैठे ना, तो दो साल बैठे माचा मारे अब यार दो की बैठते कुछ खूब घी बिक यार दो की आता है मिला के लाए थी, तो मनमान घी बिक जाओ घी ना बिके। तो जूसा चेक करी बेटे उड़ी जाकर दो की खाने वही शाम पड़ गई, क्योंकि तो आंडी खा ली ना, जो आंडी भी चमक भला आएगी चमक जब पाए जब तो आप देखे सुन सुन आ गया। तो डोकी में तो कहीं मिला के लेगी क्या आगे सीधा, तो लोग घी बिको ना कुछ घी ना बिको ना, तो यूं बैठी रही थी खूने मगर तारो घी तो बिके ना चुमा कोई घी बिके तो भाया वो तो काय भी ना लेगी। एक बालक मिले थे जिनकी मैं टूट कर घी लगा दो ये है हमारी प्यारी बहुरानी प्रियंका ढंटण। यहाँ पर आप देखिए, सब लोग एक दूसरे के कुमकुम की बिंदी लगा रहे हैं, कितना प्यारा सीन है। पूजा के बहाने सभी लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं, और फ्रेंड्स, इस बहाने हम एक दूसरे के टच में भी रहते हैं। यहाँ पर छोटे बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। ये है हमारी मीणा भाभी जी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो प्रेम दीदी है और मीणा भाभी जी, ये दोनों सगी बहनें हैं और दोनों ही भजन बहुत अच्छा गाती हैं।
यहाँ देखिए पूजा के लिए भक्तगणों की लाइन लगी हुई है। इस तरह हंसी मजाक के साथ पूजा हो गया। रही है और आप यकीन मानना यह माहौल इतना प्यारा लग रहा था, दिल कह रहा था मानो हर दिन त्योहार हो। यह पीपल देवता से निकाला गया सोना है जो कि मौसी ने निकाला है। और फ्रेंड्स ये जो नए डोरे होते हैं दस्सा माता के, उन्हें इस तरह से 10 बार आपस में एक दूसरे को दिया जाता है। इस काम को अंजाम दिया जा रहा है यहाँ पर चौदैन भाभी जी और मीणा भाभी जी के द्वारा, जो कि बहुत अच्छे से इस काम को कर रहे हैं। पंडितैन भाभी जी से दस्सा माता का डोरा मात्र 10 रुपए में लिया जा रहा है। गणेश जी की कहानी तो आप लोगों ने सुन ली फ्रेंड्स, अब हम सुनेंगे दस्सा माता की कहानी। थोड़ी जोर से बोलना भाभी जी, कहानी बोलोगे ना। एक ने कमेंट किया था कि पंडित जी की भाषा समझ में नहीं आ रही, मैंने कहा बोलूंगी अगली बार से इंग्लिश में बोलूंगी। यहाँ पर पार्क में घास की कटिंग हो रही है, इधर सब लोग सोना निकाल रहे हैं। एक बार बस मैं पचाई की छुट्टी लगा तो मैं तो चले जे तो दसम माता होते साल भर में एक बार तो कमा उधर ना होता दो होता दसम माता को बरस नहीं करा क्या बार एक भी जमा तक आज सुना था दंदर पूरा हो जाओ तो सुना तो जमा को आबो ना हो तो बेके दसम माता का एक माँ तो कभी बरस को आप ही नहीं करे तो बेके दसम माता से ना अपना घर की दसम मानी जाओ थे जो स्वाग बुआ की बच्चा की रक्षा करे थे सब सेवा करे थे दसम माता को कई बात की कमी ना हो घर में से जिस मैं दसम माता को हाँ दसम माता को बरस करे थे तो कहो को मुँह भी कर लूँगी सर तो फिर मैं राजा जी का बात होना देखा हम बैठे घर की दस से ना तो वही बरस मुँह भी कर लूँगी दसम माता को तो रानी जी के ना जो ना दुख है वही माथो ना लेते वही दसम माता की घर कहते इधर फिर मेहंदी लगा लेते मंगल करते है ना जो कभी दासाओं के साथ कथा खास सुना सुबह तो मैं माँ तो चंद्र बहुत बढ़िया हुए लीते ना कि कोई पंखा नहीं किया होते जो मैं कहानियाँ सुना देते तो मैं कथा सुन ले सकते दसम माता की और वहाँ से कह दीजिए मैं गए अपना बड़ोबा जी सोचे न्याय गणेश जी को मंदिर के पीपल को फिर देखो सर तो ताकि साथ के साथ तू भी न्याय सुन लूँगी अभी यही कथा सुन लीजिए तो वही कथा दसम माता की कथा सुनी दसम माता की कथा सुनता है वही डोरा लिया डोरा लेता है ना अब आना तो कि भाई रानी जी ना कभी हम तो दसम माता को बरस करूँ पहले पतंग करूँगी जा तो फिर पहले पतंग तो सा करे थे तुमको का तो पहले पतंग की को बरस अलूना से करे थे ना जैसे पहले मीठो खाओ से ठीक है बात से भाई ट्राई भी बरस कर लो का भी कल से पहले मीठो खा लेके आएगी है ना। अब पहले की औरता तो कहे थी दसम माता को बरस करे थी ना जो पहले पतंग तो थे तो अलूनो ही खाओ बाद में खाता रूपये से ना तो अलूना से खाओ मीठो खाओ जो अलूना खाओ हिम्मत होता दसम माता को बरस कर लियो अब राजा दरबार आया शिकार को आता ही रानी जी की को रानी जी का भूख ला गया मैं तो सर 4 बजे तो राजा जी चाहे तो बोले मैं तो बरस से आज ही दोनों साथ ही खा लें वो काटता है तो बरस करता ना तो रानी जी के भी मैंने दसों माता को बरस करे अब राजा जी रानी जी खा लो खा बेटे तो वहाँ तो गला मचन दसों से ओके रानी जी आप खाई बात की कमी आप तो राजा महाराजा दरबार है खूब सोना चांदी आप तो अरे कहने के सफेद डोरो गला में खाई को फेन दस तो पूरे सफेद भी नहीं पहने पहले कहीं के गाल दी मैं रंग पहले से है ना जब तो सफेद डोर कोई जगह रंगाए माए कोई जगह सफेद आए उस से इनको खोल दोगा कहना ना कर राजा जी कहे घर की दस हो चेगा इनको ना खोल को मुँह कर अपनी स्वास की अपनी घर की दस मानी जाओ तो बच्चा किया इनको ना खोल को मुँह राजा जी खुशी रानी जी को माना कर फिर आए मान तो कर रात में सोया तो चाहे रानी जी तो नींद आ गई फंसे हुए ऐसे दिन भर समय से नींद आ गई तो आराम से सो गया। अब राजा जी तो नींद आई साफ सोचना बड़ा राजा कभी रानी जी आप तो साथ में जागा तो गला में डोरो देखेगा तो पब्लिक आई से देखी कसो बड़ो राजू है जी की रानी जी डोरो पे रहती देखो गला में जो अब राजा जी तो नींद आई रानी जी तो खरा खरे बला गया अब ले बला था वहाँ तो गला में से डोरो उतार कर अब पलंग के नीचे जला दी जलाता है रानी जी सुबह उठे वहाँ कहा तो मुंडो देखो चले कि लुगाया देखी जी मुंडा आजकल तो कोई देखा नहीं तो होता है काम में लाग जाओ
पहले तुम गए पहले उठ साइड पहले सुंदर मुंडा ही देखी हां 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 पूरा बहुत देखे थी ये मुंडा हां जो मुंडा देखते चलो गला में तो सर डोर न जाने आयो ओ काम दस खा की करती सर अपन तो दस माता गला में कहीं की खाल से हां तो सामने जो तो तू थी घबराई दस देखी तो खाई तो सन मिली देखी तो पलंग पे नीचे जली मिली ए दस तो दस माता ने रात अपनी काके कटोरी में लोटा में लेके वो पानी भर के मतलब शक्कर डाल के गुड़ शक्कर डाल के उन्हें गोट के ए दस माता मैं तो सर पहली पसम पर स्वाद कर के पर अगर कदन ही ना आगे जला दियो तो तुम माफी मांगू छू ऐसा कर का तो तुम दस माता ना पीगी पिता ही थे ना दस माता जलाता ही और राजा के पास खराब दे दस माता ने तो राजा का सो रहे हो जाग रहे हो है ना जैसे सनक लोग बाग तो कोई लगाया तुम तो भाई 12 महीना में एक बार आऊँ क्यों लगाया तुम्हारे व्रत करे थे कोई अलू नमीटो खाओ से कोई क्या करते तो घर की दस ठीक है अगर तुम तुम्हारा अपमान ही कर गए तो तुम्हारा आखिर तो ताई जला लियो आसे से खराब दी चुका कभी बक्को जेल कभी एक घड़ी को दो पल को 12 महीना को हमें एक घड़ी का बक्का मैं काय कर सकूँगा हाँ तेरे संभालूंगा कुछ तैयार कर काय कर सकूँ कभी एक 12 महीना को जेल तो 12 महीना को बक्को जेल 12 महीना करते सुबह उठी रानी जी से की कि राजा जी शांत तुम्हारी घर की दशा ही जला दी सर हाँ तो मैं तो सपना में एक औरत आई की दिन माता है कि सबसे खराब देते गीते तो आप कर अब वचन तो दे दे तो पूरा तो करना कि बाचा बम बाचा बाचा दे तो पूरा दो जो कि आपने तो यहाँ से आनी पड़ेगा निकलनी पड़ेगा तो निकलेगा तो सारी पब्लिक देखेगी सब जाता निकलता कोई टोक पर ही है तो कहाँ जा रहे तुम एक आपन तो सर सड़कों में निकल चलेंगा कि यहाँ से जो कोई भी नजर ना हो अपन यहाँ से चल जैसा वहाँ से सड़कों में वहाँ से निकले वहाँ से जबल आया तो जी आगे का दरवाजा मत ना आगे का मत ना चला पाते का दरवाजा मत चलेंगा सर आगे का मत चलेंगे तो पब्लिक देखेगी कहाँ पर सही का तो पाते का दरवाजा मत निकल वाला गया तो जो दरवाजे थे ना वो भी टेढ़ो हो गए टेढ़ो होता है देखो आज तो खड़े ऐसे जिम्मे से दरवाजे भी टेढ़ो हो गए कहाँ पर तो झुक झुक सारे होते आगे जाता है ना जो बंजारा की बाड़ी आई तो वैसे अपन से करा राजा जी यहाँ बच्चे आए थे ना जो बंजारा का था समझा चला था आप तो बिस्ता पड़ रही थे जरा सा जाओ जरा जरा कहा घूमांगा कर अस्सी दशा चे कहा तो मेरे बच्चा भी परेशान होगा तो काफ़ से बन जा रहा है समझता रहेगा फिर बच्चा वहाँ से ले लेगा वहाँ गया अभी जाने तो चलवा के लिए मंदिर में दंत फेर होगी 12 बजे दंत फेर दिया नहीं दंत फेर होगी दंत फेर होता है रानी जी के बैग में तो भूख लाग बला गई का राजा जी का धन माजू का राजा जी के बैग में से जाकर सो गया अगर कहीं आज कोई का गर्मी थी ब्याह शादी को काम हो रही थी बाजा बाज ने क्या राजा जी की शादी जाऊँ की का कोई गेम वो खाता मिल जाओ तो ले आऊँगा क्या राजा जी गया लोग बाग भी मिले क्या राजा जी भी पंगा कर बेटी का गेम बा जी में तो कहीं दो पत्तल वगैरह रखा ले दो पत्तल रखा ले मतलब जैसे दोनों पत्तल उड़ कर जा रही थी तो झपट लेगी राजा जी की वो आपकी बहुत जल्दी कोई ना रानी जी के लिए आया अगर लेकर तो आई थी सील लेगी झपट कर रानी जी ने सोच ली कभी बहुत जल्दी कोई ना कहाँ पे किस पर वहाँ से चला कभी अब कहाँ चला कभी हमारे भाई लगे चला थोड़ा दनवा बिछाऊंगा देखा भाई भाई लगे गया भाई लगे दोनों भाई लग गला मिले वही पांच पकवान बनाया पांच पकवान बनाते हैं वहाँ से भी रात पड़ गई कभी मैं तो भाई लगते ही कमरा सही रात बात करेंगे अगर नाराज नाम मिल जाएगा जैसे तुम लोग आए तो कमरा में सो जाओगे रात में कमरा में सो जाऊँगा अपना से जो मोड़ी मंडली थी दीवार पर तो भाई लगती पूछे ना रात में वहाँ से उतार देती और सुबह पास गला में फेन लेती तो आप मोड़ी के ना जो जैसे भाई लगी बोले वो हाथ टाँक ना तो नींद आएगी रोजाना टाँक जो काय की चिंता और तो सो गया आराम से और रानी जी तो नींद ही नहीं जो अतन जो हार कटाई देख रही वो मोड़ी वो हार कटाई नगल रही रानी जी ने जा कर ना राजा जी जगाए कोटो तो क्यों क्या मोड़ी की हार कटाई नगल रही चेगा अन्ना तो सुबह आपको माता आओगा और तेरे से ले गया होगा का वहाँ से चले वहाँ से जाता है ना दुबई लगी बूटी उन्हें हार देखो तो हार नजर ना आयो वो कथा कर सुबह लो आई थी बाई लगी वो आई थी मैं सुना को हार ही ले गई था ऐसा हार ले जाओगी को तो राजा महाराज जाते हो सारा हार ले जाकर ट्राई करेगा ना मार को सोना का मुझे यही टाक थी आप तुम्हारा सोना को हार ही ले जाएगा मैं क्या लेगी होगी आगे चले आगे जाता है चैन कब कहाँ चला कमाई बहन क्या चला राजा जी की कमाई बहन क्या चला नाराज धन हो गया था थोड़ा बहुत धनवा रह लेगा था कहीं तालाब की पाल पर बैठ गया तालाब की पाल पर बैठ गए लगाया ये निकल के जा रही कमाई बहन से खेल दीजिए क्या कथा को भाई हारे तालाब की पाल पर बैठे थे तब एक कसी दशा थे तो दशा तो वहाँ की बगड़ रही थी क्या दाढ़िया बढ़ रही थे बाल बढ़ रहे थे कपड़ा गंदा हो रहे थे वो कपे कि यहाँ घर मनाऊँगी तो क्या आप राजा जी लड़ेगा तारण भाई कैसी दशा बगड़ी थी काम ही लायक
और शर्म सीखा होगी देखा अपन यहाँ से पांच पकवान बना के अब भाई कहता है वहीं खिलाई आऊँगा और भाई बुझाया कहता है जो वहीं खा लेगा वही पांच पकवान बना कर लेगी ले जाता है ना कर बार भाई बुझाया था रोटे जी में उनका कान पांच पकवान बना कर तो मैं कहा वहाँ तो दिखता पड़ रही थे फिर दगबा लागी जैसे जमाबा लागी तो कांदा रोटी हो गया ओ के देव तो रानी जी राजा जी तो समझ गया कि भाई अपन तो भोजन आपकी नसीब है कोई ना तो एक खड्डो खोद गए और कांदा रोटी गाड़ दिया फिर वहाँ से चल लिया कभी उन्हें बेन या भी नहीं की कभी भाई बोझा घर ना तो चल फिर कभी भाई घर ले जाऊँगी तो पब्लिक देखेगी क्या सब भाई बोझे कि राजा महाराजा फिर यहाँ का भाई बोझा ऐसा एक दशा में हो रहे थे ये न ले गया न ले जाता है फिर अब काई करा कर यहाँ तो भी नहीं देखो कहीं बेन से था कि यूँ भी नहीं किए घर न चला तो कोई बात कोई ना तब कहाँ चला तब एक अब कहाँ चला कैसे घर का बगीचा में चला जा पास में बगीचे तो वहाँ का पियर में चल गया रानी जी वहाँ तो यार कौन पे हमारा पियर पियर में चल गया ना रहा दुरम तो कैसा की पढ़ना जी तो पहले तो जो वहाँ तो यार कौन पे हमारा पियर है ना देखो भी वहाँ चल गया वहाँ जाता है ना एक बगीचा में जाकर बैठ गया तो वहाँ मालन और माली तो जो माली तो फूल तोड़े थे और मालन थे ना बड़े बड़े गजरा चोटिया का यहाँ का आता कहीं बनाओ थी तो आते ना राजा दरबार के देवा जाओ थी अब तो वही पुराना 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 बनाओ थी अब जो रानी जी की तुम बासाब का था बनाओ थो तो मुँह भी बना लेंगे ताकि काम करा देंगे तुम तो फालतू बैठी हुई तुम यहाँ पार्क ना तो मुँह बना दूंगी तो गजरेगा तो कोई बात को ना भाई बना दे वो करमा साइड तो तुम गजरा बना बना के और वहाँ देवा चल जाओ करी का पहला तो सब पुराना गजरा लाओ थी आजकल तो बड़े बड़े डिजाइन का गजरा ये लेकर आओ थे तो मैं कम थे ना पार्क में थे ना जो दो जरा फिरा थे जो बनाओ थे वो भेजवा जाओ थे राजा जी ने की तू तो गजरा बेच कर चल जाओ थे तब काम पर चल जाओ थे और तुम क्या करूँगा क्या तुम भी जाओ थे काम दम दो यार तो सुंदर की दुकान पर जाओ थे सुंदर की दुकान पर जाओ तो सुंदर से कहते जो सोना का बर्तन हो तो दे दीजिए और जो सीजा हो वो साफ कर दूंगा कब बेटे बेटे सुंदर की कभी कोई बात कोई ना कर दस बेच दिया वो सोना चांदी की सीजा दे दे तो सारी गायब हो जाओ तुम साफ कर जाए वो जाओ राजा जी ने सोचे दस माता ने शराब दिया थे सब ये तो कहा से कहा माता ने देखो कुछ सोना चांदी क्यों ले गया होगा जिस तड़काओं में ए मतलब ना वहाँ से भी चल जाओ थे बर्तन की दुकान पर जाओ तो बर्तन भी गायब हो जाओ थे अब तो घर नार रानी जी जो काम करूँ छू जे बगड़े थे कोई भी काम सुलाना उल्टा ही काम हो रहे थे कि तो कस करो तार खां भी मत जाओ मु तो एक राजा दरबार के जाऊँ छू रानी जी ने की जब वहाँ वहाँ की गुआ का पानी भरिया छू बड़े बड़े गजरा थे जो कहीं बेचाऊ छू जो बांध ले जो कहीं तत्म क्या काम कर दो जो कहीं गद्दा भी थे जो कहा गद्दा चेरा बला गया जी था तो घोड़ा गद्दा पानी पिला दे और चारों नीर दे अब राजा जी से वो काम कर बला गया ना अब कहना जो वही बारह बरस होया बारह बरस होता वही दसम माता ही दसम माता आता ही ना जो कभी कह दसम माता कहें कभी जल्दी आ जाओ कल कल दस माता को भरे थे माँ की बुआ का अच्छा नीला दीजिए पानी भर दीजिए तो रानी जी ने सोचे कि मैं भी यहीं नहाूँगी है ना तो यहीं नहीं लाँगा पानी भरा तो अपन भी यहीं नहा लेंगे तो मैं भी दस माता को बरत करूँ चुका तो कोई बात होता यहाँ आ जाए तभी यहीं नहा लीजिए असा वो नाबा लागे सभी नाली धोली वहाँ माई नाबा लागी तो माई भी नीला दी अब चाहे जो जो बेटी ना बला भाई कुमार मोरा को मेल मैं फिर तो माई को मोरा को मेल खोल दो माई ना दो बिटान दी तो भाई कुमार भी मेल खोल दो का जो बुक बेटी का पदम थो जो मोरा को पदम मन भी तो बाचो जब पुत्र बनोगा वही थे ना जो वही दसा माता हूँ मेरे को ना कभी माँ की बेटी का भी पदम थो आंसू पड़े ना कभी का भी रोए बसा माँ की बेटी का भी पदम थो गए मोरा पर बचपन में पढ़ना दी थी जरा कसी देश पर से जरा कहाँ से अमृता की बेटी थी उनका तुम्हारी की बेटी और मैं घर में काम कर रही थी ज्वाइन जी मैं घर में काम कर रहे थे तो फिर मैं दसा माता ने शराब दिया था सब सब पूरी बात बताई माए कताई माए ने वही दसा माता को कताई बेटी कताई भी बरत कराए हो ये दसा माता का जैसे माई बेटी का ये उल्टी दशा आई थी या तो माफ कर दियो आपका सुली दशा आ जाओ माई बेटी का जो माई बेटी का घर बार बस सर सब बता सन वो होगा जितना मैं चाहिए वही दसा माता को बरत कर दसा माता को बरत कर बेटा ज्वाइन जी कहाँ चाहे कभी तक गद्दा चला रहे वहाँ पानी पिला रहे वहाँ भी लाओ जो वहाँ का डाडिया बन रही थी डाडी बनाई तो नया कपड़ा पहनाया वहाँ के चाहिए वही भोजन खिलाओ खूब विदा करे ढोल बजा के साथ खूब दियो धन डाई जो खूब गड्ढा बुढ़ रवाना करे रवाना करता है अच्छा तालाब की पाल पा गया अच्छा कभी एक माँ की बहन से सीधे कथा कभी भाई बोझा आया पचा हुई आ गया
ब्रेक वहाँ के ब्रेक दस आते दस आते बढ़िया चे तो वहाँ गाड़िया खड़ी चे अनाज की बाजा भी चे गोड़ा भी चे सब तैयार है सच एक बेन की जल्दी से कोई भोजन बना कर भोजन बना कर भाई आओगे सर भाई बस हमारा भोजन की बोका भाई भोजा आओगे तो वहाँ तो पहले खाई ना खाया था तो साडो फोट के गाड़ रहे कांदा रोटी मार के तो दशा उल्टी जा रही थी जिससे कि मैं दन उल्टा चाहे मैं दशा तो सीधी आई चे अब तो करना फिर करना चालू कर फिर जाकर काय करूँ पहले तो नहीं की का करना चालू कर अब दशा बड़ी आई चाहे जब कह रहे थे फिर करना चालू कर देखो मैं का देश में जाऊँगा मैं चाचे रहा संभालेंगा मैं घर बार संभालेंगा मैं तो वहाँ से चले वहाँ से जाता है भाई लगे चले जी कमार भाई लाई तो दूसरे भाई लाई थी पहले आई थी जो तो वही को दूसरे भाई लाई नहीं को पहले आई थी जो यार ये बात तो कब मत बुला जो भाई सुला दीजिए को आके ताई पहले मारो हार चुरा कर ले गया आपको पता का जरा कहीं चुरा कर ले जाओ चंदवान के ना मैं तो जहाँ आई चंद जहाँ सोई चंद वही सोऊंगा वही खाना ये खाऊंगा तो कोई बात ना मान दो सो जा जो तो वही मोड़ी के ना ये कमरा में सो है ना वही हार निकाल रही थी पर राड़ी जगह है तो उसका तो आना नहीं गया मेरे वीडियो चल रही फोन में बता दे कि मोबाइल लगा बता दे देखो मैं ले गया पर मैं दस माता उल्टी थी ना देखो मैं दनी उल्टा रहे थे जो मोड़ी था को हार नंगल भी थी आशा का हार न संभालो संभला पर जाए वहाँ से चले तो वो रानी जी का कहाँ चला तो बेटा आप लोग तो घर बार संभाला का देश में चला घर बार जैसा मेड़ो टेड़ो देखे हो उम्र सही घुस सीधो क्यों सीधो तय तो बेटा गौनगरी में ऐलान तो पर आओ बेटा राजा जी आ गया राजा जी आ गया ऐलान पर आयो तो वही भंडारो फिर डोरो के आजकल तो भंडारो के देखो भाई सारी नगरी में आस पास गाँव में सबसे नुका दे दीजिए का राजा दरबार को डोरो करे के डोरो करे सब नगरी में नुका दिया नुका दिया सभी नगरी जी बाजी तो राजा जी सब तो जी बाप रखना चोरी कहाँ से तो बंजारन का जाए बंजारा की बाड़ी तो आगा का तो कोई जी भाई लाया तो भाई वहाँ भी बुलाओ बंजारा की बाड़ी का भी जी भाई बुलाया तो भाई सब जी भाई भेड़िया तो रानी जी तक बच्चा बच्ची का सच पहचानो का यहाँ मतलब अब बच्चा बच्ची तो बड़ा हो गया तो राजा जी मैं तो पहचाना ला रहा तो राजा जी ने दो काज लैसे लाए एक तो बंजारन का ताई पेराई एक रानी जी का ताई तो जी का बच्चा होगा वो कहीं मुंडा में दूध की धार चल गया भी बच्चा जी अब तो वो बंजारन की तो नहीं गई रानी जी का दूध की धार वो बच्चा का मुँह चल गई तो रानी जी का बच्चा तो हाथ रहते था ये बच्चा अब रानी जी का मन तो पाले थे यहाँ का सब बड़ा कर तो थोड़ी दूंगी का कभी अगर देने तो पहले तो बिस्ता पड़ी तो समाता ना सर आप जाते वो बच्चा संभलाए थे तो समाता जो सिवाई टूटी सो सबसे टूटी हो बस ये गणेश जी से